हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल मतलब वैकेंसीज, ठीक है, एंड यहाँ पे एज लिमिट प्रोवाइड किया गया है। तो हर एक पोस्ट के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पोस्ट जो है डिप्टी रजिस्ट्रार का पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देन टेक्निकल ऑफिसर लेवल 1, सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर साइकियाट्री, मेडिकल ऑफिसर गायनेकोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर डेंटल, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर एंड काउंसिलर। तो यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार का जो पे लेवल है वो 12 रखा गया है। बाकी जितने भी सारे पोस्ट है सभी का यहाँ पे लेवल जो है 10 रखा गया है, ठीक है। सभी पे लेवल यहाँ पे जो सैलरी है वो 7 CPC के हिसाब से आपको मिलेगा। तो पे लेवल 12 में आपका डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 78,800 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 1 लाख प्लस जाने वाला है, ठीक है। जो भी बाकी सारे पोस्ट के लिए पे लेवल 10 बताया, तो उसके लिए जो 7 CPC के हिसाब से जो सैलरी है वो है एंट्री बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस जाने वाला है। ओके, देन आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए यहाँ से, ठीक है। टोटल वैकेंसीज अगर चेक करें तो फिर यहाँ पे 10 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। एज लिमिट जो है यहाँ पे 50 रखा गया है फॉर डिप्टी रजिस्ट्रार एंड 35 फॉर रिमेनिंग पोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह दिए गए हैं। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अगर देखें तो फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर्स डिग्री रखा गया है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। देन आपका जो एक्सपीरियंस है वो 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे 9 साल का एक्सपीरियंस, देन अगर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस है इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 5 साल का, ठीक है, एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे क्वालिफिकेशन को रखा गया है, ठीक है। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे रखा गया है कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू एम्प्लॉय सर्विस मैटर्स, रिक्रूटमेंट, पेंशन एक्सेट्रा, देन आप जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आप जो है आपका जो भी पोस्ट के लिए इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, सभी का यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड कुछ कुछ पोस्ट में यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, तो वो अच्छे से चेक कर ले एप्लीकेशन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है फुली नॉन रिफंडेबल है, 800 रुपीज फॉर इच पोस्ट। एंड जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं या फिर IIT का रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर PWD कैंडिडेट्स या फिर वीमेन कैंडिडेट्स है तो उनके लिए फीस को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसी लिंक में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका लिंक भी दिखा दूंगी कि कहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप यूज कर सकते हैं, लॉगिन का लिंक है ये, ठीक है। अगर आप कोई भी एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली फीस पे करना होगा एज वेल एज आपका सेपरेटली जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो 18th of November है, देन जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली डिजेबल हो जाएगा 18 November रात 12 बजे। तो उससे पहले आप ट्राई कीजिए कि उससे पहले आप अच्छे से एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे देखिए 50 ईयर्स रखा गया था डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए एंड रिमेनिंग पोस्ट के लिए 35 ईयर्स का। बट यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो उसके वजह से आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को कम्प्लीट करना है एंड फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लेना है कि जो भी आपने अपलोड किया है स्कैंड इमेजेस वगैरह तो वो अच्छे से क्लियरली विजिबल है या नहीं,
एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो सारे कंप्लीट है, एंड आपका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए आपका जो करेक्ट ईमेल एड्रेस है एंड जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पे देना है। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है वो चीज जो मैं हर एक वीडियो में मैं मेंशन करती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेंशन देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। कभी कभार क्या होता है कि एप्लीकेशन को करते जो कंप्लीट करने के टाइम पे ईमेल एड्रेस दे देते हैं, एक्टिव ईमेल एड्रेस, बट उसका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो जाता है। तो एक लेटर मिस्टेक होने से भी वो मतलब गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको ईमेल एड्रेस को देना है, बार बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा कॉल लेटर रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट को रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो तो सारा सब कुछ यहाँ पे मेल के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से, तो वो कैंडिडेट को यहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए। तो फिर यहाँ पे देखिए, रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। रिटन टेस्ट तभी होगा जब अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुआ, देन एक स्क्रीनिंग पर्पस के लिए एक रिटन टेस्ट होगा बिफोर द इंटरव्यू, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से, एंड जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो प्रिपेयर रहना होगा कि कोई भी कैंपस में, IIT का जो भी कैंपस है, कोई भी कैंपस में आपका यहाँ पे पोस्टिंग किया जा सकता है। जैसे मेन कैंपस हो गया सहारनपुर कैंपस या फिर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर कैंपस, तो कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही होगा, तो इसके लिए पहले से आपका आपको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, ये सब यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है IIT रुड़की की तरफ से आया है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोजीशन है, ठीक है। जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, एंड 10 वैकेंसीज है एक साथ। 18 नवंबर को लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखे तो फिर ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आके आपको करियर में जाना है, एंड देन अदर जॉब ओपनिंग्स में जाके नॉन टीचिंग जॉब्स में आपको क्लिक करना है। देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको सबसे ऊपर दिए गए जो ग्रुप ए नॉन टीचिंग पोस्ट है वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो नोटिफिकेशन मैंने दिखाया वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से एक बार रीड कर लीजिए एप्लीकेशन से पहले, एंड देन जाके आप अप्लाई कीजिए अच्छे से। एंड अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो यहाँ पे दिए गए हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है पहले साइन अप करना होगा, देन लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर को कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बन जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।